पार्टी से तो आपको कहा उन्होंने कि अच्छा भाई खैर बात कहीं पार्टी कहीं पार्टी को, लेकिन आप जलसा वगैरह तैयारी कर रहे हैं। अब मेरा ख्याल है जो पार्टी है और कोई भी पार्टी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत एक आईन एक दस्तूर के तहत चलती है। हमारे दस्तूर में किसी भी पार्टी के मेंबर को फिर मेंबर पार्लियामेंट को पार्टी के चेयरमैन के अलावा कोई दूसरा नहीं निकाल सकता, ये प्रोवाइडेड है। तो लिहाजा चेयरमैन को इलम नहीं था। बहरहाल ये मसला जो है, अब खान साहब ने कहा है कि वो इसको देख रहे हैं। कहा है उन्होंने, एक सेकंड इधर रुक जाए, क्या मतलब आप कह रहे हैं खान साहब ने कहा देख रहे हैं? कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको कोई कम्युनिकेशन हुई है जब आप ये कहते हैं, क्या मकसद इसका? देखिए, खान साहब से चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब और अली मोहम्मद खान साहब और पार्टी के दीगर रहनुमाओं की मुलाकात हुई इस नोटिफिकेशन के बाद। ठीक, अच्छा उसके बाद हाँ, तो इस पे खान साहब ने फिर कहा है कि मैं इसको रिव्यू करूँगा। कहा है उन्होंने? जी अच्छा, तो आप बड़ी क्लियरली कह रहे हैं, उन्होंने कहा मैं रिव्यू करूंगा, तो अब यानी कि जो चेयरमैन हैं मौजूदा उनसे और आपकी बातचीत है, यानी कम्युनिकेशन है? जी कम्युनिकेशन है, ठीक है। वो जानते हैं कि आप ये कर रहे हैं जलसा 13 और 14 को, मौजूदा चेयरमैन जानते हैं? वो तो पार्टी ने तो वैसे ही सबको कहा है, खान साहब ने 13 अगस्त को के सेलिब्रेट करें। और बाकी जो हैं, चूंकि मेरे साथ जो ये डेवलपमेंट्स हुई और चूंकि ज़रूरी नहीं है कि खान साहब जो हैं वो रिव्यू जो हैं वो हर हालत में कर दे, हो सकता है रिमोट पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो लोग चाहते हैं कि मैं खान के साथ ना रहूँ वो प्रिवेल कर जाएँ। तो दोनों सूरतों में मैंने अपने वोटर्स को, अपने कबीले को एतमाद में लेना है। ठीक तो 14 अगस्त को मैंने जो जलसा बुलाया है, एक तो खान के साथ अजहर यकजहती है शुहदाए ठीक पाकिस्तान और पाकिस्तान की योम आज़ादी के तौर पे हम इसको मनाएंगे। बेशक, लेकिन एक और भी जो मकसद है वो ये है कि मैं अपनी तमाम हालात अपने कबीले के सामने रखूं, उनको बताऊं कि मेरे साथ ये हुआ है। और अगर बिलफर्ज खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि सीट वापस करें या फॉर दैट मैटर जो हैं पार्टी से, तो मुझे उनको एतमाद में तो लाजिमन लेना है। लोगों को जी ठीक। हाँ, तो इस वजह से ये मैंने जलसा रखा है और जो एक्सक्लूसिवली मेरा अपना है। अच्छा ये, अच्छा एक्सक्लूसिवली आपका अपना, ये बताएं कि खान साहब ने, एक तो वो सऊदी अरेबिया के हवाले से बात हुई जिस पर नाराज़गी थी, आपने उसको क्लैरिफाई कर दिया, तो आपने खान साहब के से पब्लिकली गैर मशरूत तौर पर माजरत की है कि जी आप जिस भी चीज़ पर नाराज़ हैं मेरे से, मुझे, मैं माजरत चाहता हूँ, यू माई लीडर, आपको कोई बात बुरी लगी, आपने ऐसा नहीं करना समझा सही है? नहीं, मुझे पता तो चले ना कि मेरी कोई फॉल्ट होना, किस चीज़ की मैं माफ़ी मांगू? कोई गलती मैंने की ही नहीं है। मैंने तो पार्टी की खिदमत की है, खान के काज के लिए लड़ा हूँ, और कोई गलती करूँगा कोई हो। ये जो सऊदी का बयान था वो मेरा अपना है, तो मेरे अपने बयान, और मैंने उसी दिन इसको उसको ये विड्रॉ किया किया, बिल्कुल तो ठीक बात है। नहीं, विड्रा नहीं किया। मैंने कहा ये मेरी ज़ाती ओपिनियन है, अभी भी है तो मैं अपनी ओपिनियन किसी भी हवाले से इंटरनेशनल इश्यूज पे अगर दूं तो उसको पार्टी का बयानिया तो तस्लीम ही नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुझे तो अभी तक खुद इलम नहीं है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है यह सब कुछ। मुझे तो कुछ ना देखें, ये पूरा प्रोसेस हुआ ठीक। ना, मुझे सुना गया ना, मुझे ये बताया गया कि जी ये वजूहत है, ना किसी चीज से कन्फ्रंट किया गया, हवाई बातें हैं। अब आखिरी दफा मिले थे आपने, कहा ना 1.5-2 महीने पहले आप मिले थे, तो उस वक्त खान साहब ने आपसे नाराजगी का इजहार कोई किया? नाराजगी नहीं थी। लास्ट टाइम जो ये देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, 11 अप्रैल से जब सऊदी का बयान भी नहीं आया था, मैंने बयान उस वक्त नहीं दिया था, फोकल पर्सन से मुझे हटाया गया। तो इसके बाद जो है ये चीजें शुरू हुई। देखिए, बात ये है कि पार्टी के अंदर हर पार्टी में इस तरह इख्तलाफात होते बिल्कुल हैं। इख्तलाफ होते हैं, गिरोबंदी होती है। हाँ, तो वो बेसिकली मुझे ये लगता है कि मैं उसी चीज का शिकार हूं। बाकी बात ये है कि खान साहब जो है उसको, यानी अभी जो लेटेस्ट आया, जो ताज़ा तरीन और जिस पे मुझे यकीन है कि यही वजह है वो टर्मिनेशन का, वो ये है किसी ने खान साहब को बताया कि मैंने खान साहब को या बुशरा बीबी जो है को बुरा भला कहा, बुरा भला कहा है। अब ये किस तरह की सियासत है? मतलब ये मेरे फरिश्ते को इलम नहीं है। और ये चीज़ें बता के अगर सियासत इस नेच पे आ जाती है तो इस पे मैं क्या माफिया मांगू? जो कोई आप चीज़ कह रहे हैं आपने कुछ नहीं बुरा कहा, नहीं, मैं तो बुरा भला कहने वालों के खिलाफ हूं? के खिलाफ हूं नहीं, बल्कि बुरा भला कहने पर जो मैंने जिनके साथ किए हैं वो पूरी दुनिया को इलम है। तो लिहाजा ये सियासत है,
कि बावर खान को ये बता दे और खान फिर इस पे कार्रवाई करे। ये तो ये बताएं सऊदी अरेबिया, देखें खैर हमें तो जो थोड़ी बहुत समझ है बैनुल अक्वामी जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया तो हमारा तरीना दोस्त है और रहेगा हमेशा और उसकी बड़ी खास। तो आपने अभी मैंने सुना आपको कहते हुए कि वो मेरी अपनी एक ओपिनियन थी, आपने ओपिनियन बदली या अभी तक आप अपनी ओपिनियन पे कायम हैं? मैं आपसे तफसील नहीं पूछना चाह रही, बस ये कह रही हूँ कि आपको समझ आई कि जो पार्टी ने कहा कि भाई नहीं ये गलत बात है? नहीं, मेरी ओपिनियन थी है और तब तक रहेगी जब तक कोई मुझे कन्विंस ना कर दे कि भाई ये गलत ओपिनियन। अच्छा, तो आप उस ओपिनियन पे, तो मुझे शायद लगता है कि शायद वो एक बड़ी बात हो, मतलब देखे ना एक जाति तो हो जाती है लेकिन अगर एक नेशनल पार्टी है, मैं आपसे खुल के बात करती हूँ, यू नो यू लाइक अ यंगर ब्रदर, एक ताल्लुकात हैं, बड़े अहम ताल्लुकात हैं और होने भी चाहिए और रहेंगे भी, तो उस पर अगर आप एक पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आपके पास ओहदा था और अगर आप ये कहें कि जी ये मेरी ओपिनियन है और रहेगी, तो फिर तो अगर मैं सच बता रही हूँ, मैं अगर मैं पार्टी की चेयरपर्सन हूँ तो मैं कहूँ भाई यार इस तरह के तो शख्स को किस तरह मैं रखूँ पार्टी में? नहीं, मतलब ये है कि हम किसी के गुलाम हैं? नहीं, गुलाम की बात नहीं है, गुलाम की नहीं, गुलाम तो किसी के नहीं है। मैं तो बात कर रही हूँ कि जो हकायक हैं ये हैं, देखिए ना वो तो अब इसको छोड़ देंगे, ये तो इस मुल्क में जिसके मुंह में जो आता है वो कहता है, कभी उसने अमेरिका ने खींचा, कभी इसने खींचा, कभी उसने खींचा, बात ये है जो अंदर की खींचा खाची होती है वो आप जानते हैं सब। बहरहाल ये अब बताएं कि अब आप इस इंतज़ार में हैं कि खान साहब आखिरी वर्डिक्ट क्या देंगे, आपको जो आपकी बातचीत अली मोहम्मद से और अपने मौजूदा चेयरमैन से, उसमें आपको वो आपका मौकफ समझते हैं? गुजारिश ये है ना, बड़े ही शॉर्ट अल्फाज में अपना माफी ज़मीर उनके सामने भी रखा, आपके सामने, और कल मैंने इस पर ट्वीट भी किया है। मैं किसी भी चीज़ से, मुझे कोई एक्यूजेशन है, कोई चार्ज है, ये आडी अल्ट्रम पार्टम एक असूल है कानून का और इंसाफ का कि आप किसी शख्स को सुनते हैं, तो मैंने किसी चीज़ पे मुझे नहीं सुना गया है, क्या हुआ है, किया क्या है, मतलब शोकाज हुआ, इधर से निकाला, उधर से निकाला, फला कमेटी से निकाला, एंड आई नो नथिंग अबाउट दैट। तो हाँ, बता सुनी सुनाई बातें जो मुझ तक पहुँचती हैं, खान साहब को ये बताया गया, खान साहब को वो बताया गया। अब ये सऊदी का जो बयान था, इस पे तो खान साहब से मेरी उसने सरजनिश की थी कि जी आपको ये बयान नहीं देना चाहिए था। अब वो बयान मैंने खान साहब को भी कहा कि भाई एक टॉक शो में बैठ के मैंने अपनी एक राय का इजहार किया, और वो बात तो उस वक्त ख़त्म हो गई थी। इसके बाद इसी खान साहब को फिर ये बताया गया एक शख्स ने कि जी मुझे सऊदी सफीर ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा जी कि ये तो हमारे बड़े रिजर्वेशन है, और ये झूठ थी, ये बात भी झूठ थी, और बहुत सारा झूठ जो है खान साहब को बताया गया है। लेकिन बेशक बताने वालों ने जो भी बताना था, मेरा मौकफ ये है कि खान साहब जो हैं मुझे उनसे इंसाफ की तवक्को है। अगर वो समझते हैं कि मैं उनके साथ रहूं और पाकिस्तान के लिए सर्व करूं, पाकिस्तानियों के लिए, तो मैं रहने के लिए अवेलेबल हूं, हाजिर हूं और ताबेदार हूं। अगर वो समझते हैं कि नहीं है ज़रूरत, तो चिमटने वाला बंदा नहीं हूं मैं। नहीं नहीं, वो बिल्कुल समझ और इसके बाद जो है, मैं मतलब ये है कि ना खान साहब की राय पे इन्फ्लुएंस करने की कोई कोशिश करता हूं, ना मैंने अभी तक जो 3 माह या 2.5 माह में हुआ है मेरे साथ, मैंने किसी को मिन्नत नहीं की है, किसी को रिक्वेस्ट नहीं की है कि मेरा ये मौका जो है। ठीक है, ठीक जी, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको उस हवाले से ये फिर कहूंगी, और मैं आई डोंट वॉन्ट टू लेबर द पॉइंट, लेकिन अहम इशू इसलिए है क्योंकि मुल्क का ताल्लुकात बड़े अहम हैं, वो मुल्क अहम है। लेकिन अगर आप यानी कि मैं आपको कन्विंस नहीं करना चाह रही, मैं आपको एक हकीकत बयान करती हूँ, ये एरिया है जिसमें मैंने काम बड़ा किया, कि ये कहना कि जी सऊदी अरेबिया का कोई रोल था, बिल्कुल जो भी आपने, जैसे आप कह रहे हैं ना खान साहब ने भी सुनी सुनाई बात, इसमें कोई हकीकत है नहीं। मैं आई एम नॉट स्टैंडिंग फॉर द सऊदीज और फॉर पीटीआई और फॉर इमरान खान, मैं जो हकायक हैं मैं उस हवाले से कह रही हूँ। तो आपको इस बात को तो देखना चाहिए कि अगर आप कहें जी नहीं ये मेरी ओपिनियन है, मैं इस ओपिनियन पे खड़ा हूँ, नहीं मैंने ये नहीं कहा, हाँ, कि मैं कोई अधर्म आदमी हूँ। अगर इस बात में हकीकत नहीं है और मुझे अगर बताया गया या जो दलाइल और मंतिक रखे गए,
जिससे मैंने ये अखज़ किया, अगर ये गलत है तो बस फिर तो मैं अपनी राय तब्दील कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको बताया गया, आपके चेयरमैन ने बताया, सबने सरजनिश की है कि इसमें सही नहीं। अब मैंने देखा सोशल मीडिया पे आपको स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जी आए और हम, और वो क्योंकि मेरा ख्याल है कोई स्टूडेंट तहरीक की बात हो रही है, वो आमिर खान को पकड़ा और छोड़ भी दिया कल, तो उस हवाले से हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि जी मरवत को ले आए और शेर अफजल मरवत आए, तो पार्टी के किसी लेवल पे किसी ने आपसे उस पर कांटेक्ट किया, लोगों ने किया? नहीं, पार्टी मेरे ख्याल में इसमें शायद नहीं पढ़ना चाहती है। अलबत्ता स्टूडेंट्स तंजीमों से उन्होंने मुझसे रजू किया है की? नहीं, वैसे स्टूडेंट्स तंजीमों ने, मतलब मुख्तलिफ तंजीमें हैं और यूथ्स ने भी रबते किए हैं, उनकी ख्वाहिश है कि हम कोई इस तरह की एहतजाज बांग्लादेश के तर्ज पे करें, और मैंने इस हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। हो सकता है इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं, अगर कोई तहरीक जो है आईन और कानून के तहत पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए नौजवानों की तरफ से उठती है, और तो उसमें मुझे कोई ये मजायका नहीं होगा कि मैं उसमें शमूलियत भी करूं, लीड भी करूं अगर वो चाहते हैं, और इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े देने को तैयार होऊंगा। लेकिन मुझे अभी खुद अंदाज़ा नहीं है कि कौन लोग हैं, क्या हो रहा है, लेकिन अलबत्ता जो है वो इस तरह की चीज़ें अब पक रही हैं पाकिस्तान में उसी पैमाने पर। देखिए, आप बात करते हैं कि जी मुझे अगर ये पार्टी है वो निकाल नहीं पा रही इमरान खान साहब को, आप भी कहते हैं और भी पार्टी के लोग कहते हैं जी अजीब अजीब बातें कि जी लोग चाहते हैं अंदर ही रहें इमरान खान जो पार्टी के लोग हैं, आपने भी कहा जी इनकी पॉलिसी ठीक नहीं, तो इमरान खान साहब को लीगली तो रिलीफ मिल रहा है, जेल में है लेकिन लीगली रिलीफ मिल रहा है, केपीके में लोग बाहर निकल रहे हैं, तो क्या आप अगर आपके आज आपको दे दी जाती पॉलिसी कि जी बनाएं पॉलिसी, तो क्या बनाते हैं आप पॉलिसी जिससे कि आपको बड़ा यकीन है कि इमरान खान साहब जो जेल में है वो बाहर निकल? अगर मुझे पॉलिसी या इख्तियार दिया जाता है तो दूसरे दिन पूरी पीटीआई सड़कों पे होगी। क्या कहते हैं? पूरी पीटीआई सड़कों पे होगी, सड़कों पे होगी। मैं बिला छू मछुरा, मेरा ये अकीदा रहा है कि खान की रिहाई ये अदालतों के थ्रू नहीं होनी है, ये जो केसेस थे सब ने देख लिए उनका नतीजा क्या निकला, और ये एक फैसला होगा दूसरे में गिरफ्तार होगा, और ये खान को खान की रिहाई या खान के हवाले से नेकी की कोई तवक्को मुझे नहीं है इन लोगों से, ये हुक्मरान जो हैं और जितने जो लोग खान को और पीटीआई को जो हैं मजाक बनाए हुए हैं, कानून का भी आईन का भी रूल अफला का भी बदनाम। तो आप कह रहे हैं कि सड़कों पे निकले, तो फिलहाल तो हम इसी पे ख़त्म करते हैं ये सेगमेंट के। बहुत मुबारक हो आपको जश्न आज़ादी की, और बहुत खुशी की बात है कि आप सड़कों पर निकल रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहने के लिए, तो पेश किया आपको भी। जिस दिन को हम सड़कों पर निकलेगी ना, जी जी, इस 14 अगस्त की आज़ादी का मजा दोबाला हो।